हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फोकुलर मेकअप ब्रशेस का रिव्यू। और ये 10 ब्रश का सेट है, इनमें 6 ब्रशेस का सेट भी आता है। तो इस तरह के कुछ पाउच में आपको ये ब्रशेस रिसीव हो जाते हैं। तो अगर आप इन फोकुलर के ब्रशेस को परचेस करने जा रहे हैं या फिर आप चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस जो आपका लॉन्ग टाइम तक साथ दें, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये ब्रशेस कैसे हैं, किस तरह से इनका आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है, सारी डिटेल में बात होने वाली है। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ पाउच में आपको रिसीव हो जाते हैं। और ये ब्रशेस मैंने परचेस किए हैं अमेज़ॉन से। तो इनका प्राइस एक्चुअल जो भी है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। इनमें 30% या 35% ऐसा कुछ ऑफ चलता रहता है, तो उस अकॉर्डिंगली ही आपको दाम देखने को मिल जाएगा। मैंने ये 1100 के परचेस किए हैं, तो एक बार आप डिस्काउंट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं डिटेल के बारे में। ऑलराइट, तो ये जो पाउच है ये सिल्वर मेटालिक पाउच है। इस तरह से कुछ आपको क्लासी पाउच में ये ब्रशेस रिसीव होते हैं। और यहाँ पे आपको एक चेन देखने को मिल जाएगी जो काफ़ी स्टडी चेन है। देन अगर आप ओपन करते हो तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये ब्रशेस रिसीव होते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ और अंदर आप देख सकते हो पाउच कुछ हल्का फुल्का नहीं है, काफ़ी स्टडी पाउच है इनका। तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में ये ब्रशेस आपको रिसीव होते हैं। देन यहाँ पे आपको ये सारे ब्रशेस मिल जाएंगे जिनमें इंडिविजुअली एक प्लास्टिक रैपिंग लगी रहती है ताकि ब्रशेस के ब्रिशल्स जो रहते हैं वो इधर उधर फैले ना। तो यहाँ पे आपको टोटल 10 ब्रश का सेट मिल जाता है। ये हैं 4 आई ब्रशेस और ये हैं टोटल 6 जो कि हैं फेस ब्रशेस। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे ब्रशेस की क्वालिटी और डिटेल आपको क्लियर कर देती हूँ। ऑलराइट, तो मूव ऑन करते हैं सबसे पहले फेस ब्रशेस की तरफ। तो जो सबसे पहला ब्रश मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ये है इस तरह का फाउंडेशन ब्रश। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितना फ्लैट है, एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे इसके ब्रिसल्स की मैं डिटेल आपको एक बताना चाहूँगी कि ये सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, यू नो हार्श नहीं है बिल्कुल भी। जो ब्रशेस चीप प्राइस में आप परचेस करते हैं उनके जो ब्रशेस रहते हैं इनमें ऐसा कोई भी केस नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट हैं ये ब्रशेस। इनकी जो पैकेजिंग है ये भी काफ़ी कमाल की और क्लासी है। यहाँ पे आपको सिल्वर का अपर साइड मिल जाएगा और ये प्लास्टिक की लो साइड मिल जाएगी। और यहाँ पे सारे ब्रशेस पे फोकुलर मेंशन किया गया है और यहाँ से ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं है, काफ़ी स्टडी पैकेजिंग है, पैकेजिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑलराइट, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ। तो ये है हाइलाइटर ब्रश, दैट मीन्स फैन ब्रश है ये इस तरह से। तो ये बिग फैन ब्रश है इस तरह से कुछ। तो अगेन इसके ब्रिशल्स काफ़ी सॉफ्ट हैं एंड काफ़ी फ्लफी फैन ब्रश है। तो अगेन इस पे भी यहाँ पे फोकुलर मेंशन किया गया है एज यू कैन सी, और पैकेजिंग में कोई कंप्लेन नहीं है। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ। तो ये है इस तरह का कुछ ब्रश जो नीचे से आते हुए ऊपर जॉइंट हुआ है और यहाँ से थोड़ा सा पॉइंटेड है। तो ये है कॉन्टोर ब्रश। यहाँ पे ब्रिशल्स इसके देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट हैं, यू नो, और कितना डेंस है ये ब्रश। यहाँ पे आप देख सकते हो दूर दूर ब्रशल्स इसके आए हुए नहीं हैं, ब्रशल्स काफ़ी सॉफ्ट भी हैं, अगेन यहाँ पे मेंशन किया गया है और पैकेजिंग में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ। तो ये है ब्लश ब्रश, इस तरह से आपको ये ब्रश देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आते हुए ऊपर जॉइंट हुए हैं ब्रशल्स और यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप में है। एंड यू कैन सी यहाँ पर कितना डेंस आपको ये ब्रश मिल जाता है। और इस तरह से काफ़ी डेंस ब्रश है तो आप ईजिली अपना ब्लश अप्लाई कर सकते हो और ब्रशल्स भी काफ़ी सॉफ्ट, आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी पैकेजिंग में ब्रशेस में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ। तो ये है कंसीलर ब्रश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट है, ब्रशेस आप देख सकते हो और काफ़ी यहाँ पे जॉइंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डेंस इसका कितना है और प्लस ये इतना अच्छा अमेजिंग वर्क कर देता है ना, खुड़ी जो भी प्रोडक्ट रहेगा उस पर यह ब्रश कमाल का काम कर देता है। एंड यू कैन सी यहाँ पे मेंशन भी किया गया है फोकुलर अगेन, और पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रशेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
इन ब्रशेज में से मेरा ये एक फेवरेट हो गया है। ये है अगेन इस तरह से ब्रश कुछ, तो ये है हाइलाइटर ब्रश। यहाँ से आते हुए ब्रशेज सुपर ज्वाइंट हुए हैं, थोड़े से ओपन भी है, काफ़ी ज़्यादा ये फ्लफी है एज यू कैन सी। तो इसे मैं मोस्ट ऑफली हाइलाइटर के लिए ही यूज़ करती हूँ और ये बहुत कमाल का है। एक और इन ब्रशेज में से मेरा फेवरेट ब्रश है ये। बारी आ जाती है आई ब्रशेज को लेके, तो सबसे पहला आई ब्रश मैं आपके साथ जो शेयर करने जाऊंगी ये है इस तरह से कुछ। तो ये फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश है कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये ब्रशेज ओपन है और जॉइंट है पूरा इस तरह से। इसके ब्रशेज भी काफ़ी सॉफ्ट हैं और काफ़ी लॉन्ग है, तो यू नो आपको एक अच्छे से स्टेबिलिटी मिल जाती है पकड़ के काम करने के लिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ। तो ये है इस तरह से कुछ एंगल ब्रश और ये स्मॉल ब्रश है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए ये थोड़ा सा एंगल में आया है यहाँ से, ठीक है। फ्लैट जो नेक्स्ट ब्रश है ये इस तरह से कुछ फ्लैट स्मॉल ब्रश है, आप देख सकते हो ये पूरा फ्लैट है इस तरह से। ब्रिशल्स इसके काफ़ी जॉइंट हैं। फ्लैट जो लास्ट ब्रश मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ये है इस तरह से स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, एंड आई लव दिस ब्रश बिकॉज ये स्मॉल है। इस तरह से कुछ यहाँ पे इसके ब्रिशल्स आए हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे ये ओपन है, प्लस ये थोड़ा सा फ्लफी है बट स्टिल ये डेंस भी है और स्मॉल है, तो क्रीज में, क्रीज के ऊपर वाले एरिया में ईजिली फिट हो जाता है और ब्लेंडिंग में भी बहुत अच्छे से काम कर देता है। इन सारे ब्रशेज में से जो आई शेडो ब्रश का कलेक्शन है उसमें से मुझे ये ब्लेंडिंग ब्रश बहुत ज्यादा पसंद आया है। राइट, तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको पसंद आएगी। देखिए अच्छे ब्रशेज और जो अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज होते हैं अगर आप उन्हें एक बार परचेज कर लेते हैं तो मेरा मानना है ये ब्रशेज आपका काफी लॉन्ग टाइम तक साथ देते हैं। तो इनकेस अगर आप उस तरह के ब्रशेज में जाना चाहते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर्सन है तो डेफिनेटली आप इन ब्रशेज में जा सकते हो, क्योंकि इनका कॉस्ट अभी आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट इनके रिजल्ट्स और इनका जो स्टेबिलिटी है आपके पास काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है, तो उस केस में आपका पैसा डेफिनेटली वसूल हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे आपको 10 ब्रश का सेट मिल रहा है जिसमें आपकी ज़रूरत के सारे ब्रश अवेलेबल हैं और प्लस फ्लफी ब्रश आपको यहाँ पे इतने सारे मिल जाते हैं। और आप जानते हैं फ्लफी जो ब्रश रहते हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी हाई रहती है, तो उस अकॉर्डिंगली अगर आप देखना चाहें तो इन ब्रशेज में डेफिनेटली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम है, ना ब्रशेज में कोई प्रॉब्लम है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप्स आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह की क्वेरी, क्वेश्चन या सजेशन रहता है तो कमेंट करिएगा, मैंने सारे ब्रशेज की डिटेल आपको बता दी। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, उसे प्यार करिए और किसी भी की कोई भी डिमांड रहती है तो जरूर शेयर करिएगा। लव यू ऑल, बाय गाइस।